ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कहावत है, जगत दो रंगी है। जगत विच एक रंग है ही नहीं, सुख है दुख है, जन्म है मरण है, इज्जत है बेइज्जती है, हासे ने पर रोने भी ने, सिर्फ तंदुरुस्ती नहीं बीमारियां भी जो है नाल ने, सिर्फ चढ़दी कला नहीं ढहंदी कला भी नाल है। इस तरीके नाल समूह ब्रह्मंड ते निगाह मारिए, ब्रह्मंड दो रंगी है। पर धार्मिक चिंतन करने वाले पुरुष ऐसा कहते ने प्रभु भी दो रंगी है, ईश्वर भी दो रंगी है, और उसके दो रूप मने ने निर्गुण ते सरगुण। जैसे कि सुखमनी साहब विच गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला आधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है, वो निर्गुण रूप विच अदृश्य है, वो सरगुण रूप विच प्रगट है। जैसे मकान प्रगट है पर बुनियाद गुप्त है, दरख्त प्रगट है पर जड़ा गुप्त ने, शरीर प्रगट है पर आत्मा गुप्त है, संसार प्रगट है पर निरंकार गुप्त है। शरीर का जो गुप्त हिस्सा है वह आत्मा है, और आत्मा का जो प्रगट हिस्सा है वह शरीर है। दरख्त का जो गुप्त हिस्सा है वह जड़ा ने, और जड़ा का जो प्रगट हिस्सा है वह दरख्त है। यह सूक्ष्म ते अस्थूल, गुप्त ते प्रगट, निर्गुण ते सरगुण आपस विच जुड़े हुए ने। ईश्वर की इस नियमावली नूं समझदे होया गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिस पंथ की साजना की, वह भी दो रंगी है, यक रंगी नहीं। यही कारण है कि यह कौम सारी दुनिया विच दो नामां नाल जानी जाती है, एक सिख एक सिंह। यह दो रूप ने। गुरु नानक दे नौ स्वरूप सिख दी तामीर विच रहे, सिख दी उसारी विच रहे, सिख नू बनाया संवारिया शिंगारिया। और जब सिख परपक हो गया, बन गया, तामीर होके प्रगट हो गया, उसे नू शिंगारिया संवारिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, और नाम दिता सिंह। सिख सूक्ष्म है, सिंह अस्थूल है। सिख आत्मा है, सिंह शरीर है। सिख निर्गुण है, सिंह सरगुण है। और इदों में सम्मिलित ने इस तरह जैसे कि जड़ां ते दरख्त, बुनियाद ते मकान। ये ठीक है कि बुनियाद दी तामीर विच बड़ी मेहनत, बड़ी तपस्या, बड़ी साधना। और एक दफा बुनियाद कमजोर होवे तो उस दे ते पुख्ता मैल नहीं उसारे जा सकते। जड़ां कमजोर ने तो वह वृक्ष गगन चुंबी नहीं हो सकता, और बहुत वधिया फुल ते फल प्रगट नहीं कर सकेगा। इस वास्ते जड़ां ते बुनियाद ते गुरु नानक ने जोर दिता, ये पुख्ता होवे, ये महान होवे, और ये अपने आप विच बहुत ही मजबूत होवे। इस वास्ते नौ रूपा ने सिख दी तामीर की थी। सिख दा जन्म है गुरु दी विचार तो, गुरु दे शब्द तो। जैसे के सतगुरुदेव जी महाराज दा वाक है, सिखी सिखया गुरु विचार। सिख दी होंद खड़ी है गुरु दी विचार थे। सिख दा जन्म है गुरु दी विचार दे तो। इतनी गल स्पष्ट है कि मनुख केवल तन नहीं, विचार है। मनुख सिर्फ शरीर नहीं, वो विचार भी है। जब असी कहने हैं कि फलाना मनुख बिल्कुल बदल गया, तो की बदले है? मुंह बदल गया, मत्था बदल गया, हाथ बदल गए, पैर बदल गया, कुछ भी नहीं बदला, विचार बदल गए ने। विचार दे बदल दें
मनुख बदल जांदा है। एक आलम दा कहना, तस्वीर उम्मीदों की आईना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुहश्शर है ख्यालों का। मनुख की है ख्यालां दा इकट्ठ, मनुख की है विचारां दी मूर्ति, और जैसे इस दे विचार ने हकीकत दे च वैसा ही मनुख है, किरदार वैसे ही प्रगट होणगे। मनुख दी सोचनी, मनुख दा चिंतन, मनुख दे फुरने वास्तविक की ने, बस यही मनुख दी असली तस्वीर है। इना फुरनिया नू, इस चिंतन नू, इस सोच नू सवारन दी, शिंगारन दी कोशिश की थी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। आपने गहरे तल दिच मनुख दे मन दिच झात मारी, मनुख दे फुरने ठीक नहीं, मनुख दी सोचनी ठीक नहीं, मनुख दा चिंतन ठीक नहीं। ये जो अंतिशकरण है, जो शरीर दे अंदर कम करदा है, इनू चतुष्टा अंतःकरण करके क्या है, चार शक्तियां दा मजमुआ, चार शक्तियां दा जोड़। प्रथम शक्ति नू मन कहंदे ने, दूसरी नू बुद्ध कहंदे ने, तीसरी नू चित कहंदे ने, और चौथी नू अहं कहंदे ने। जो फुरनियां दा प्रवाह है वो मन है। किस फुरने दे मुताबिक जिंदगी ढालनी है ते किस दे मुताबिक नहीं ढालनी, ये जो फैसला करना है ये बुद्ध है, मन ही बुद्ध बन जाता है। और कीते हुए फैसले नू याद रख सकिए, चेते रख सकिए, वो तीजी शक्ति चित है। और इन्हां तिन्हां हालतां विच जो चौथी हालत हर वक्त व्यापक रहिंदी है वो है अहं भाव। भाव ये मेरे फुरने ने, ये मेरी सोचनी है, और ये मैं याद कर रहा। इसनू घड़ना सी, गुरमति सारी शिक्षा दीक्षा मन नू घड़न दी है। और जब मन घड़िया जांदा है तो वो ऐसा हो जांदा है जैसे एक पत्थर देचों भगवान दी मूर्ति प्रगट हो गई है। संत राशि आउंदे ने गुरु लोक भी, बुत घाड़े दी तरह आउंदे ने। फर्क सिर्फ इतना है कि संग तराश एक निर्जिंद पत्थर नू घड़दा है, गुरु एक जिंद जान वाले पत्थर नू घड़दा है। मूर्ति कद प्रगट होंदी है, कुछ फालतू पत्थर दे टुकड़ियां नू एक पासे करिए, मूर्ति दा जन्म हो गया। कुछ फालतू विचारां नू एक पासे करिए तो अंदरों ही निरंकार दा जन्म हो जांदा है, अंदरों ही परमात्मा दा जन्म हो जांदा है। इन्हां फालतू विचारां नू गुरु नानक देव जी महाराज मनुख दे अंदरों तराशन दी कोशिश करदे रहे, और बड़ी प्रबल सफलता आपनू जो है मिली। सिख शब्द धार्मिक दुनिया दा अत्यंत निर्माण शब्द है। सिख तो मुराद है कि मैं सिखण नू राजी हाँ, मैं सिखना चाहना, मैं सिखण दी लगन रखना। लेकिन सिखण लई पहले कबूल करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि जिस दे अंदर ये दावा हो जाए मैं सब कुछ जानता, बस इत्थों ही गल गलत हो गई, ये सिख है ही नहीं। कम से कम ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मैं सच दे संबंध च ते कुछ भी नहीं जानता, मैं परमात्मा दे संबंध च ते कुछ भी नहीं जानता, मैं सच्चाई दे संबंध च ते कुछ भी नहीं जानता। इतना तस्लीम करदिया वो सिखी दी क्लास विच दाखिल हो जाता है। जब सीखना आरंभ कर देता है तो वास्तविक को सिख हो जाता है। इतना निर्माण शब्द दिता कि जगत देच इतना कुछ है, प्रभु दे साजे हुए इस ब्रह्मांड देच इतना कुछ है। सीखन नूं जीवन छोटा है, लेकिन सीखन लई शिक्षा बहुत पई है, बहुत पई है। मनुख समुचे जीवन नूं एक चम्मच दी तरह समझे, और जितनी शिक्षा बिखरी पई है वो ते सागर दी तरह है। एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात एक दिन सागर दे तट ते टहल रहा है, की देखदा है, एक बालक सागर दे तट ते रो रहा है जारो जार। मनुख दी मूल भाषा, जन्म तो जो भाषा परमात्मा गल विच पांदा है वो है हसना ते रोना। बाकी ते संस्कारां दी भाषा है, ये प्रभु दी देन है, ईश्वर दी देन है। हसना ते रोना ये सारी दुनिया दा सांझा है, और ये अपने आप दे च एक भाषा है। रो रहा है कोई
तो फौरन पता चलता है दुखी है, हंस रहा है कोई तो फौरन पता चलता है कि प्रसन्न है, ये खेड़े देच है। हंसना अपने आप देच और रोना अपने आप देच मुकम्मल भाषा है और सारी दुनिया दी सांझी है। जब कोई हंस रहा होवे तो असी ऐसा नहीं कह रहे कि ये संस्कृत देच हंस रहा है या पर्शियन देच हंस रहा है, ये पश्तो देच हंस रहा है या इंग्लिश देच हंस रहा है, ये फ्रेंच देच हंस रहा है या मराठी बंगला देच हंस रहा है, हिंदी या पंजाबी देच हंस रहा है, बस हंस रहा है। ये भाषा सांझी है और कोई रो रहा होवे तां वी सानू ये कहण दी लोड़ नहीं पैंदी कि पंजाबी देच रो रहा है या सिंधी देच रो रहा है, हिंदी देच रो रहा है या इंग्लिश देच रो रहा है। रोना एकदम समझ दे आ जांदा है, सारियां दी समझ दे आ जांदा है, हासा एकदम पकड़ दे आ जांदा है और हर तरह दा हासा फौरन पकड़ दे आ जांदा है। रो रहा सी बालक पकड़ दे आ गई गल सुकरात दे, बहुता दिमाग लगाउण दी लोड़ नहीं पई, नेड़े आए बालक दे सिर ते हथ रखिया, आख्या बालक क्यों रो रहे हैं, तेरे रोने ने मेरे हिरदे नूं तड़पा के रख दिता है। हाथ जोड़ के बालक कहिंदा मैं दुखत हो गया, ऐ मेरे हाथ विच प्याला वेख दे हो, मैं इस सागर नूं भरन दी कोशिश करदा प्याले विच, पर मैं जितनी दफा भरिया जितना भरिया सागर बच रहिंदा है, इस सारे दा सारा सागर मेरे प्याले विच आना चाहिदा है। कहिंदे बच्चे दे ए बोल सुन के सुकरात भी रोण लग पए। बच्चा कहिंदा बाबा तुसी भी रोण लग पए, पर दसो ते सी थोड़ा प्याला किथे है। बच्चे मासूमियत दे नाल ऐसा समझे ते ऐसा कहन लगा, सुकरात कहन लगा मेरा प्याला भी मेरे कोल है, तू इस प्याले विच सागर नू भरना चाहना है, मैं छोटे जिया दिमाग दे प्याले च सारे परमात्मा नू भरना चाहना, सारी ब्रह्मंड दी जानकारी नू भरना चाहना। अज समझ दे चाही गल कि प्याले विच सागर नहीं आण लगे। बुजुर्ग दार्शनिक संत दे मुंह ए बोल सुन के बच्चा निराश होया, लेकिन अंदरों एक उमंग भी पैदा हुई, उन्हें प्याला चुक के सागर दे सुट दिता, आखिया ऐ सागर जे तू मेरे प्याले विच नहीं आ सकदा तो कम से कम मेरा प्याला ते तेरे विच आ सकदा है। बच्चे दी पैरी पै गया सुकरात, हे परमात्मा तू सारे दा सारा मेरे हिरदे च प्रगट होवे औखी गल है, पर मैं सारे दा सारा तेरे विच लीन हो सकदा। सूरज दी किरण साडे कमरे च आ सकदी है, उसदा चानना साडे कमरे च आ सकदा है, सारे दा सारा सूरज साडे कमरे विच नहीं आ सकदा। परमात्मा दे जिहड़े गुण ने बस गुणा दी किरणा दे राही परमात्मा साडे हिरदे नूं प्रकाशित कर सकदा है। अगर असी हिरदे दे द्वार खोल दईए, अगर असी हिरदे दे दरवाजे खोल दईए, जो हिरदे दे कपाट खोलण नूं राजी हो जाए उसे नूं कहिंदे ने सिख, जो सिखण नूं राजी हो जाए उसे नूं कहिंदे ने सिख, और जो सिख होवेगा, क्योंकि सिख दा जन्म है गुरबाणी दी विचार शब्द दी विचार तों, ते जिस तो जन्म होवे उस दी अंश नाल रहिंदी है। मां बाप तो ये शरीर आया है तो मां बाप दी अंश शरीर विच मौजूद है। गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विद जाने, उस विधाते दी इस विधि नू कौन जानदा है कि पुरुष दे अंदर नारी बैठी हुई है और नारी दे अंदर पुरुष बैठा हुआ है, क्योंकि शरीर आउंदा है नारी पुरुष दे सुमेल तों, तो कोई ऐसा पुरुष नहीं जिस दे अंदर नारी नहीं बैठी और कोई ऐसी नारी नहीं जिस दे अंदर पुरुष नहीं बैठा। साहब दा ए फरमान कि पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विद जाने, आखरी स्त्री पुरुष तो ते शरीर आया, मां बाप तो शरीर आया, सिख दा जन्म है शब्द तो विचार तो, और जिस तो जन्म होंदा है उसकी अंश ते नाल रहिंदी है। अगर रोम रोम विच गुरबाणी दी विचार है, रसना ते शब्द दा जाप है, हिरदे विच शब्द दा चिंतन है, तो ये सिख है। अगर हिरदे विच शब्द दा चिंतन नहीं
जबान देते शब्द का उच्चारण नहीं और रोम रोम दे शब्द की झरनाट नहीं तो यह सिख नहीं। सिख होना मामूली गल नहीं, सिख महान है। सिख का तो जन्म ही विचार तो है, तो जब जन्म ही विचार तो है तो सिख तो विचार की मूर्ति होंगे। सिख कतई अज्ञानी नहीं हो सकता और सिख कतई अहंकारी भी नहीं हो सकता। या इंज कह दिता जाए जो अहंकारी है वह सिख नहीं है और जो अज्ञानी है वह सिख नहीं है, क्योंकि एक यही कौम है जगत दे जिसनों असी सिख कहने इति विचार नू मत्था टेक दिए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की ने विचार दी मूर्ति, ज्ञान दी मूर्ति, और रूहे जमीन ते यही कौम ज्ञान नू ही गुरु मन दिए। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। गुरु ग्रंथ साहब नू मत्था टेकना विचार दे संगम नू मत्था टेकना, विचार दे सागर नू मत्था टेकना। और जब विचार दे सागर दे अगों कोई झुक रहा है तो स्पष्ट गल है उसके अंदर विचारां दी लहर, विचारां दी तरंगा उत्पन्न होनिया चाहिए ना। सिख ओही है जो विचार दी मूर्ति है, ज्ञान दी मूर्ति है। सिख कतई अज्ञानी नहीं हो सकता और सिख कतई अहंकारी नहीं हो सकता। अहंकार दा होना इस गल दा सबूत है इस मनुख दे अंदर निरंकार दी विचार नहीं है। सिख तराशिया जांदा है और सुंदर मूर्ति बन जांदा है। तराशना किसनों है? मन। मन की है काम, मन की है क्रोध, मन की है लोभ, मन की है मोह, मन की अहंकार। ते जब इसनू त्रास देंदे ने तो काम लज्जा बन जांदा है, मोह प्रेम बन जांदा है, क्रोध वीर रस बन जांदा है, लोभ संतोख बन जांदा है, अहंकार विनम्रता दी मूर्ति बन जांदा है। बस यही सिख दा घड़िया होया रूप है, जिसका अहंकार निर्माणता दी मूर्ति हो गया, जिसका मोह प्रेम दा रूप हो गया, जिसका क्रोध वीर रस दे तब्दील हो गया और जिसका काम लज्जा दे रूप धारण कर गया, शर्म होया। समाज दे दायरे विच रहिंदा है, समाज दी दीवार नू तोड़दा नहीं। जिसनू कबीर ने कह दिता है पैर चोलना गधा नाचे वैसा भगत करावे। कामी जानवरां विचों खोता ते हाथी अत्यंत कामी ने। भगत कबीर कहिंदे ने इह जो कामी खोता है पहले मेरे अंदर नचदा सी पर नगन नचदा सी, पर जिस दिन दा मैं जाप कीता है, प्रभु दी बंदगी कीती है, गुरु दी शिक्षा दीक्षा लई है, खोता ते हुण वी नचदा है पर चोला पा के नचदा है। पैर चोलना गधा नाचे वैसा भगत करावे। काम ने शर्मो हया दा चोला पहन लिया। इस तरीके नाल जो घड़ी हुई मूर्ति है उसनू सिख कहिंदे ने और सिख गुरु नू कबूल है, सिख गुरु दा रूप हो जांदा है, सिख ते गुरु मान करदा है। गुरु सिख सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। मनुखी शरीर दी सिरजना विरोधी तत्तां ते खड़ी है। एक तत् दूसरे जैसा नहीं है, स्वभाव करके भी, रंग करके भी, स्वरूप करके भी। पानी, अग्नि, हवा, आकाश, धरती ये भिन्न भिन्न ने। भिन्न भिन्न कहना भी ठीक नहीं, विरोधी ने, एक दूसरे दे विरोधी ने, पर फिर भी कट्ठे ने। और इन सारियां विरोधियां दे इकट्ठ दे नाल ही तन दी बनतर है, शरीर दी बनतर है। कई दफा ख्याल आउंदा है गुरु नानक शांतमई गुरु गोबिंद सिंह दे कोल वीर रस टपकदा है। सिख दा स्वरूप कुछ होर है, सिंह दा स्वरूप कुछ होर है। और जद ये भ्रांति हिरदे नू बहुत जोर दी पकड़ लवे तो कई दफा हिरदा चुनाव करदा है, या गुरु नानक ठीक ने या गुरु गोबिंद सिंह ठीक ने। देश दे कुछ ऐसे लोगों ने कह दिता संत की ते तलवार की, संत की ते शस्त्र की। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे विचार जो जफरनामे विच कलम बंद ने, चुंकारज हमा हीलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदम बशमशेर दस्त। जिंदगी दे सारे मसले शांति नाल हल नहीं होंदे। अगर शांति नाल ही सारे मसले हल होंदे तो पानी दे प्रभु नूं अग्नि रखण दी लोड़ नहीं सी। अग ते पानी नूं कट्ठा रखना ये शांति ते क्रांति नूं कट्ठा रखना है। प्रभु दे नियम नूं समझ के ही
गुरु नानक ने ही गुरु गोबिंद दा रूप धारण कीता, सिख ने ही सिंह दा रूप वटाया। सिख नूं पुजारी बनाया शब्द दा, सिंह नूं पुजारी बनाया शस्त्र दा। यही कारण है कि तमाम इतिहासक स्थानां विच जिथे शब्द दा प्रकाश है, शब्द दे जेर साया शस्त्रां दा प्रकाश। सिख ने मत्था टेकना है शब्द नूं, सिंह ने मत्था टेकना है शस्त्र नूं। सिख दा जन्म होया है शब्द दी विचार तों, सिंह दा जन्म होया है गुरु दी तलवार तों। विसाखी वाले दिन जो म्यान चो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तलवार कढ़ी, उसे चो ही सिंह दा जन्म है। सिंह अग्नि दा प्रतीक है, सिख पानी दा रूप है। और पानी ते अग जिवें शरीर विच कट्ठे ने, सिख ते सिंह सुभाव विच भी कट्ठे ने। ये ठंडा भी है, ये गर्म भी है। ये ठंडा इतना है कि हर एक दी चरना दी खाक है, और ये गर्म इतना है कि हर तरह दे जुल्म नूं फूक सकदा है, साड़ सकदा है। हैरानगी आउंदी है कि एक संत ने शस्त्रां दी पूजा कराई और शस्त्र चुकिया। एक आलम दा कहना है, ख्वाबों की ना ताबीर की पूजा की है, कब्रों की ना तकदीर की पूजा की है। जिस शख्स ने के कौम को उभारा शातर, उस शख्स ने शमशीर की पूजा की है। वास्तविक जिस दे अंदर कुछ उछाल ते उभार ही नहीं पैदा होया, ऐसी शांति मुर्दा होंदी है। अगर ऐसी शांति दे दर्शन करने ने तो कब्रिस्तान विच मौजूद है। कब्रां विच शांति ही शांति है, मुर्दियां कोल शांति ही शांति है। और वास्तविक शांति ओही है जिस दे क्रांति दे भी बीज होन। वास्तविक पूर्ण जीवन ओही है जो सिख होण दे नाल नाल सिंह होवे, संत होण दे नाल नाल सिपाही होवे। चीन दे प्रसिद्ध साधु लाओत्से ने चीन दे बादशाह नूं अज तो 2500 साल पहले एक शिक्षा दित्ती सी। जदों बादशाह हथ जोड़ के साधु दे अगों खड़ा होया, आखण लगा मैनू भी कोई उपदेश दे जिहदे नाल मेरी जिंदगी सवरे, जिहदे नाल जगत दा जीवन सवरे। लाओत्से कहण लगा, तेरे लई इक्को ही संदेश ते उपदेश है कि कदी भुल के भी तू सिपाही नूं सिपाही ना बनाई, संत नूं सिपाही बनाई। तेरी फौज विच एक भी सिपाही ऐसा नहीं चाहिदा जो संत ना होवे। अगर तू संत नूं सिपाही बनाया या सिपाही दे अंदर संतपना पैदा कीता, वो किसे दी असमत दा रखवाला होवेगा, इज्जत दी सुरक्षा करेगा, उसदे होंदिआं किसे दी धन संपदा महफूज रहेगी। अगर तू सिर्फ सिपाही नूं ही सिपाही बनाया तो असमत खतरे च, इज्जत खतरे च, धन संपदा खतरे च, मान मर्यादा खतरे च, किसे दी संस्कृति खतरे च, किसे दा देश खतरे च, किसे दा धर्म खतरे च। इस वास्ते अपने देश दे च जे तू खतरा नहीं पैदा करना चाहता प्रजा दे लई, तां संत नूं ही सिपाही बनाई। विचार दिते 2500 साल पहले लाओत्से ने, वो बादशाह इन्हां विचारां नूं साकार रूप नहीं दे सकिया। अज तो 300 साल पहले इस महान विचार नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने साकार रूप दिता। आखिर मैं संत नूं ही सिपाही बनाना है, सिपाही नूं सिपाही नहीं। 9 रूप गुरु नानक दे संत नूं घड़दे रहे, सिख नूं घड़दे रहे। और जब सिख सिख बन गया ते सिख दा होना वास्तविक संत दा होना है, उसे नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बनाया। उस दे अंदर ही अग्नि दा सही प्रयोग हो सके, इस्तेमाल हो सके, जगत दे लई क्रांतिकारी हो सके, संदेश ते उपदेश दिते। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा एक वाक, अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा, हरी दे निकट हो जाएगा अगर इस तरह दी रहनी तैनू आ जाए। केड़ी रहनी? जिस तरह के शरीर विच 5 तत्त ने, अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। जनाब शेख सादी ईरान दे प्रसिद्ध सूफी संत, वो भी इस तरह दी विचारधारा
सामने रखते ने कहते ने अबरो बाद मां व फलक खुर्शीद दरकार आनंद तातो नाने बकफारी व बगफलत न खुरी ए बंदे जरा वेखते सही तेरे अंदर निरी अग्नि नहीं पानी भी है निरा पानी नहीं मिट्टी भी है और निरी मिट्टी नहीं हवा भी है और निरी हवा नहीं तू आकाश नाल भी संबंधित है जब पंज दे पंज तत्त तेरे अंदर विरोधी ने तो तेरे अंदर इन्हां पंज तत्तां दे सूक्ष्म गुण चाहिए ने धरती तो तू निर्माणता सीखनी है पवन तो तू रवानी सीखनी है तेरे अंदर आलस नहीं चाहिए तू फुर्तीला चाहिए आलसी बंदा तो मुर्दा होंदा है और तू पानी तो पवित्रता लेनी है अगर तेरे शरीर विच पानी है बाहरों तेनू शरीर की जिहड़ी पवित्रता है पानी तो ही प्राप्त आउंदी है पानी तेनू अंदरों भी यही इशारा कर रहा है तेरा जीवन पाकीजा होना चाहिए पवित्र होना चाहिए और फिर तेरे अंदर आकाश है आकाश जैसे समान रूप विच सारियां दे उत्ते छाया होया है तेरी दृष्टि विच समानता चाहिए सारे एक तरह दे पर यह सब कुछ ही तेरे अंदर नहीं तेरे अंदर अग्नि भी है तेरे अंदर जोश भी चाहिए है तेरे अंदर जलाल भी चाहिए है पर यह जोश ऐसा जो किसी की रक्षा कर सके जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का वाक है सूरबीर कौन है जो कमजोर दी बां पकड़ लवे जालम कौन है जो कमजोर दी बां तोड़ देवे सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत दीन कहिंदे ने गरीब निमाणे निताणे ओही सूरबीर है जो कमजोर दी बां पकड़ लवे और जो कमजोर दी बां तोड़ देवे वो जालम है जगत विच इतने जालम ने और कमजोर दी बावां तोड़न वाले ने अगर सूरबीर ना होवन तो कमजोर जी ही नहीं सकदे लागर लोग जी ही नहीं सकदे और ये भी हकीकत है कि कमजोर ते मुर्दे दी तरह होंदा है अनंत समय तक देश कमजोर रहा और उसका एक मूल कारण एक नारा दिता अहिंसा परमो धर्मं कुछ सतपुरुषा ने कुछ महापुरुषा ने उस वक्त समय की लोड़ सी कुछ नारे ऐसे होंदे ने समय की लोड़ होंदी है हर वक्त उन्हां दी लोड़ नहीं आती वो वक्ती सच ते होंदा है सदीवी सच नहीं होंदा वो वक्ती लोड़ ते होंदा है पर वो सदीवी लोड़ नहीं एक नारा जो महात्मा बुद्ध ने दिता स्वामी महावीर ने दिता वक्त की लोड़ से हिंसा बड़ी व्यापक सी अहिंसा परमो धर्मं